अबे इसको बताना था तेरी बहन भी साथ में। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर देख लेना। अच्छा तो तुम सिगरेट पी रहे हो? मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अनु दीदी आज मैं अपने भैया के साथ जाऊंगी। ऐसा क्यों? अबे अगर तेरी बहन उसको दीदी बुलाएगी तो तेरा उससे क्या रिलेशन हुआ? नहीं चुप कर, ये कोई बड़ी परेशानी नहीं है। हाँ परेशानी है, कल्चरल एथिक्स। भैया चलो। तुम जब गांव की तरफ आ रहे थे तो तुम्हारे साथ कोई था? कौन? शक्ति भाई की बात कर रही हो क्या? हाँ। तुम्हें अभी तक याद है? हाँ? वो यही एक जिम में ट्रेनर है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम उससे मिलने आओगी। मुझे दूसरी लड़कियों जैसा समझा था क्या? मुझ में कोई ईगो नहीं है। इस दुनिया में जितनी भी लड़कियां अपनी जिंदगी में एक ना एक बार ये डायलॉग जरूर बोलती हैं, और बेचारे लड़के मान भी जाते हैं। बहुत लोग पढ़ाई के लिए अपना पैशन छोड़ देते हैं, पर तुमने तो कॉलेज ज्वाइन करने के बाद भी म्यूजिक नहीं छोड़ा। ये मेरा लास्ट प्रोग्राम है, कॉलेज भी तो इंडोर है ना, और उसके बाद मैं म्यूजिक को अपना प्रोफेशन बनाऊं या नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा तो फिर क्या सोचा है? कुछ दिनों तक किसी दूसरी कंपनी में काम करूंगा। दूसरों के नीचे मुझे काम करने की आदत नहीं है, देखता हूँ क्या होता है। तुम जो भी करोगे आई एम श्योर अच्छा करोगे। तुम नित्या के टच में नहीं हो क्या? स्कूल खत्म होने के बाद तो उससे कोई कॉन्टेक्ट रहा ही नहीं, पर नित्या बहुत अच्छी लड़की है, बहुत टैलेंटेड है, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। भैया मेरी बात सुनो, वो अच्छी लड़की नहीं है और उसकी पूरी फैमिली ना पागल है, तो तुम सांप के बिल में हाथ मत डालो। मेरे पापा बिजनेस की वजह से बहुत बिजी रहते हैं, फिर भी वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। उसकी ना एक बहन थी पता है, वो ना किसी लड़के से प्यार करती थी, और उसके पापा ने क्या किया पता है आपको? वो तुम्हें कहाँ मिला? वो हमें ऊटी में मिला भाई, बाहर आया था हमने उसे पकड़ लिया और काम हो गया। मेरी लड़की उसके साथ है क्या? नहीं भाई। एक काम करो, उस लड़के को ऊटी से मेरे पास ले आओ। ठीक है भाई, लेकर आऊंगा। ए भाई उसे अच्छी तरह समझाना, समझ गया ना? मेरी दीदी का प्यार तो सच्चा था, पर वो लड़का ही दीदी को धोखा देकर गायब हो गया। तुम घबराओ मत बेटी, तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगा, रहो मत। ए, क्या हुआ पूछो इससे। मैंने कई बार पूछा पर कुछ भी बता नहीं। रहो मत, चुप हो जाओ। पूछो ना उसको। मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है। मत रो। मैं जो समझा रही हूँ तुम समझ जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। क्या वो तुमसे रोज बात करती है? तुम फेसबुक पे हो क्या? बहुत अच्छा। तुम व्हाट्सएप यूज करती हो क्या? हाँ। ए, वो स्कूल में भी शिवा को घूरते रहती थी पता है तुम्हें, समझो मेरी बात। लड़कियां ही लड़कियों की दुश्मन होती हैं, हम चाहे उन्हें कितना भी प्यार करें वो हमें झूठा ही समझती हैं। हाँ हाँ बढ़ाया प्यार करने वाला। स्पेशल है क्या? हाँ। ओके, तुम्हें कैसे पता था मुझे फ्रूट्स पसंद है? मेरी सिस्टर तुम्हारी दोस्त है और वो हमेशा ये कहती रहती थी कि तुम्हें फ्रूट्स बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा वैलेंटाइन डे पे क्या दूँ, फ्रूट्स से अच्छा कोई गिफ्ट समझ में ही नहीं आया। ओह, पर वैलेंटाइन्स डे पर फूल और फ्रूट्स। फ्रेंड्स को ये वैलेंटाइन डे के दिन ये सब देना गलत है क्या? नहीं, पर तुम्हें कैसे पता कि तुम मेरे लिए सिर्फ फ्रेंड हो या उससे ज्यादा? एक मिनट में आया। मैंने तो ऐसा सुना ही था कि जब किसी की इंसल्ट होती है तो उसे ठंड में पसीना आता है और वॉशरूम जाना होता है।
बट 22 साल के करियर में मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ। ए, क्या देख रहे हैं? कमाल है। शिवा कौन है? नित्या ने बताया। हाँ, वो मेरा फ्रेंड था। एक्चुअली थोड़ा फ्रेंड से ज्यादा और लवर से थोड़ा कम। ओके, मैं उसे लाइक करती थी पर बात आगे नहीं बढ़ी। मैं समझ रही हूँ तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं उसके साथ भी फ्रेंडली थी और तुम्हारे साथ भी। उसकी और मेरी केमिस्ट्री कुछ अलग ही थी। बचिनो, यू आर अ स्पेशल फ्रेंड टू एंड वी हैव नेवर बीन फिजिकल एट ऑल। नहीं नहीं, मैंने इतने डीप में नहीं सोचा। आई नो वीरा, तुमने यही सोचा होगा कि मैंने सारी स्पेशल फीलिंग्स उसके साथ शेयर कर ली हैं। नहीं, मुझे गलत मत समझो। जो लड़कियां ओपनली टॉक करती हैं, उनसे बात करने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन ये एक बीमारी की तरह होती है, एक बार लग जाए तो जल्दी नहीं छूटती। मैंने सोचा कि तुम्हारे कॉलेज आईडी की एक जेरोक्स कॉपी मार के रख लूं, याद आए तो देख लिया करूंगा। क्या देख रही हो? ए, क्या देख रही हो? विशिंग स्टार्स। इसका मतलब? वहां देखो, वो जो तीन स्टार्स हैं, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं हमेशा। वो? नहीं। वो वाला? नहीं बाबा, वो देखो, तीन स्टार्स, एक के ऊपर एक, सब एक साथ। ओ, ये। उन स्टार से जो भी विश मांगो वो पूरी हो जाती है। विश मांगो ना। विश मांगी? क्या विश मांगी? मैंने विश मांगी है कि बोलना नहीं, बोलोगे तो पूरी नहीं होगी। फिर क्यों पूछा? क्या? कुछ नहीं, तुम देखो। मेरी और तुम्हारी विश एक ही है ना? आई थिंक सो। क्या? कुछ नहीं। उसे जूस देने से पहले मुझे जूस पिला देना, ठीक है ना? ओके। टेंशन मत लो वीरा, मेरी फ्रेंड्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मेरी फैमिली जैसी हैं। ये कुछ भी कहे उसका गलत मतलब मत निकाल लेना, ओके? हाँ, ऑल राइट, कोई बात नहीं, वो मेरी बहन जैसी है। आज का गेम खत्म? हाँ, चलो चलते हैं। चलो चले। हाँ, जूस नहीं बना अब तक? दो ग्लास बनाए थे पर बहनों ने पी लिए। तुम बिना? दो मिनट रुक जाओ अनु, बस दो मिनट, बस तुरंत बनना। तुम बहुत स्लो काम करते हो, लड़कों का हाथ फटाफट चलना चाहिए। रुको अनु, जूस रेडी है। इसे साफ किया था ना? हाँ, पहले साफ किया था। पहले का नहीं पूछ रही हूँ,
उन दोनों के पीने के बाद साफ किया था क्योंकि मैं किसी और का जूठा नहीं पीती। तुमने ही तो कहा था कि फ्रेंड्स फैमिली जैसे होते हैं। फ्रेंड्स हो या फैमिली, पर जर्म्स तो होते ही है ना वीरा।